ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है ना। चल देखते हैं है क्या है क्वेश्चन। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है, उसमें पी क्यू आर एस क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया है। पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड टिल पॉइंट वाई, पी क्यू को वाई तक बढ़ाया गया, फ्रॉम वाई, और वाई से अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्किल एट पॉइंट आर, और इस पॉइंट वाई से एक स्पर्श रेखा खींची गई जो कि सर्किल के पॉइंट आर पर जाती है, आर पर टच करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस वाई, तो एस वाई जो पोर्शन है इसकी लेंथ क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए पी क्यू आर एस क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है जो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्कल में ड्रॉ किया गया है। तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं पहले। ये है सर्कल, ये क्या है सर्कल है, ये सर्कल हो गया, ठीक है ना। इस सर्कल में पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है इस तरीके से, ये एक स्क्वायर है पी क्यू आर एस, ये एक सर्कल है, और इसका सेंटर क्या है बच्चों, ओ। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड टिल पॉइंट वाई, अब पी क्यू जो है इसको वाई तक प्रोड्यूस किया गया, मतलब वाई तक ऐसे आगे बढ़ाया गया, ये है ना, फ्रॉम वाई, और वाई पर एक टेंजेंट, सपोज ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट है आपका वाई, ये पॉइंट कौन सा है वाई। अब यहां से एक स्पर्श रेखा जाती है जो कि आर पर, पॉइंट आर सर टू ड्रॉन टू द सर्किल एट पॉइंट आर, आर पर ये जाती है इस तरीके से, ऐसे है ना, ये सिचुएशन है, ये यहां पर टच कर रहे हैं एग्जैक्टली, ये टच करते हुए जाएगा ऐसे, ऐसे, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई। तो पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, पी क्यू को आगे बढ़ाया गया वाई तक, और वाई से एक स्पर्श रेखा जा रही जो कि इस सर्कल को आर पर टच करती है, क्लियर है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस वाई, तो एस वाई की लेंथ क्या है, एस वाई को मिला दो ऐसे, एस वाई है ना, इसकी लेंथ बतानी है। चलिए एक काम करते हैं, इसको ऐसे बच्चों मिला दो इस तरीके से, ये सेंटर था, तो ये जब आपने इसको मिला दिया तो ये पी आर क्या है, पी आर जो है वो इस वर्ग का विकर्ण है कि नहीं है, पी आर क्या है इस स्क्वायर का डायगोनल है कि नहीं है, पी आर यहाँ से इसको मिला दिया, ये इसका सेंटर था, तो पी आर क्या हो जाएगा, इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आर क्या हो जाएगा बच्चों, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है ना, वर्ग का विकर्ण। और पी क्यू है कितना, देखें ये जो सर्कल दिया था इसकी रेडियस क्या है 4, तो अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 होगी, मतलब इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, अगर रेडियस 4 है तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा, 4 × 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर है ना, मतलब इस वृत्त का जो व्यास होगा, रेडियस 4 है इसलिए व्यास क्या होगा 8, और ये जो इस वर्ग का विकर्ण है पी आर, वही तो इस वृत्त का क्या है, व्यास है कि नहीं, इट मींस पी आर जो होगा, पी आर कितने के इक्वल होगा, इट मींस पी आर इक्वल क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर। पी आर ये क्या है, पी आर वृत्त का व्यास है, व्यास कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर, और पी आर वर्ग का विकर्ण भी तो है, तो मतलब वृत्त का जो व्यास है, डायमीटर है, वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है, मींस पी आर जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। और वर्ग का विकर्ण होता क्या है, साइड रूट टू,
डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? साइड रूट टू होता है ना, साइड रूट टू। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या आ रहा है? एट। इसका मतलब एट इक्वल क्या हो गया? साइड इंटू रूट टू, यही तो आएगा। तो इससे साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइड की वैल्यू आ जाएगी एट अपॉन अंडर रूट टू। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते, तो नीचे रूट टू इंटू रूट टू टू बन गया, एट को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? फोर रूट टू। इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि स्क्वायर की जो साइड है ये क्या है? फोर रूट टू। मतलब पी क्यू कितना है? पी क्यू भी साइड है वर्ग की, तो ये कितना है? और क्यू आर भी वर्ग की साइड है, तो ये भी कितना होगा? फोर। इसी तरीके से आर एस भी क्या होगा? फोर। इसी तरीके से पी एस भी क्या होगा? फोर। पी एस भी, पी एस, पी एस भी बच्चों क्या होगा? फोर। पी एस भी क्या होगा? फोर। और आर एस भी क्या होगा? फोर। मतलब वर्ग की ये जो फोर रूट टू सेंटीमीटर, ये साइड देखो, वर्ग की एक भुजा ये है, एक ये है, ये है, और वर्ग की भुजा कितनी आ रही? फोर रूट टू। इट मीन्स पी क्यू भी फोर रूट टू होगा, आर एस, आर क्यू भी फोर रूट टू होगा, पी एस भी फोर रूट टू होगा, और एस आर भी फोर रूट टू होगा। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग ने कर लिया। अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा लेट कर लेते हैं कि ये जो क्यू वाई है वो कितना है? एक्स है, और जो आर वाई है वो वाई है। इसको क्या लेट कर लेते हैं? वाई। तो देखिए लेट कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे बना दे रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं कि जो क्यू वाई है, लेट क्यू वाई, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो कितना है? एक्स है, और आर वाई इक्वल कितना है? आर वाई है वाई सेंटीमीटर। मतलब ये कितना है? एक्स सेंटीमीटर, और ये कितना है? वाई सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये कितना है बच्चों? वाई है ना, क्लियर। अब देखिए किसी भी वृत्त, ये स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा इसकी त्रिज्या के लंबवत होती है। त्रिज्या के लंबवत मतलब डायमीटर, मतलब व्यास के भी तो लंबवत होगी। मतलब ये जो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये ट्रायंगल क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? देखो ये पी आर वाई ट्रायंगल, पी आर वाई कैसा ट्रायंगल होगा? ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? राइट एंगल्ड समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? राइट एंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा? इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। मींस पी वाई स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस पी आर, इस साइड का स्क्वायर और आर वाई का स्क्वायर, एंड आर वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बच्चों देखो पी क्यू कितना है? फोर रूट टू है ना, और उसमें एक्स जोड़ देंगे तो पी वाई आ जाएगा। तो पी वाई कितना आ जाएगा? फोर रूट टू प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर कितना है? वाई स्क्वायर है। कितना है बच्चों? वाई स्क्वायर। पी वाई स्क्वायर इक्वल, अब पी आर हमारा कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर, और आर वाई कितना है? आर वाई। पी आर, पी आर कितना था? सॉरी ये कितना था? एट था, 4 और 4 8, इस वृत्त का व्यास 8 था। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या है? 8, 8 का स्क्वायर, और आर वाई, आर वाई ये है वाई, ये हो गया, ये तो आया। तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा? चलिए इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये इक्वेशन एक हो गया। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, उसी तरीके से ट्रायंगल ये भी तो राइट एंगल है, आर क्यू वाई, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? वो बोलो भाई, क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या होता है स्क्वायर में? ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसी को आगे बढ़ाया तो स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इन ट्रायंगल आर क्यू वाई, इन ट्रायंगल आर क्यू वाई कितना हो जाएगा? आर क्यू वाई इस ट्रायंगल में बच्चों, इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल राइट एंगल है। तो ये हो जाएगा बच्चों आर वाई का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर
इक्वल क्या हो जाएगा, पी आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर प्लस, मतलब इस साइड का स्क्वायर प्लस क्यू वाई का स्क्वायर, प्लस क्यू वाई का स्क्वायर, यही हुआ। अब आर वाई, आर वाई कितना है, वाई है, तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, आर क्यू, आर क्यू की वैल्यू ये भी वर्ग की भुजा है, तो ये वर्ग की भुजा कितनी आ रही है, फोर रूट टू का स्क्वायर, फोर रूट टू का स्क्वायर प्लस क्यू वाई, क्यू वाई कितना है, एक्स का स्क्वायर। ये हमारा बन गया इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन आ गए। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में देखिए क्या आ रहा है, फोर रूट टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल एट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें इक्वेशन सेकंड में हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ रही है फोर रूट टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, मतलब जहां पर वाई स्क्वायर लिखा है वहां पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहां पर आगे हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, इन फर्स्ट मतलब जो सेकंड इक्वेशन है इसका यूज हम कहां पे करेंगे, फर्स्ट में। तो देखो कैसे यूज होगा, ये तो वैसे लिखा रहा फोर रूट टू प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल एट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर रूट टू का स्क्वायर, फोर रूट टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख पाएंगे ना, क्लियर। चले ये हो जाएगा आपको बच्चों, ब्रैकेट ऑन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है, तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर का स्क्वायर 16, टू जा 32, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू फोर जा एट, एट रूट टू एक्स, एट रूट टू एक्स ये आ जाएगा इक्वल 64, प्लस इसका फोर फोर जा 16, टू जा 32, प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब बच्चों 32 से ये 32 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एट रूट टू इक्वल, एट रूट टू एक्स इक्वल क्या आ गया 64, तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन अंडर रूट टू, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट टू इंटू रूट टू, टू टू फोर जा मतलब फोर रूट टू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फोर रूट टू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, फोर रूट टू, एक्स क्या मतलब यहां से यहां तक हमें पता चल गया तो ये फोर रूट टू आ गया, एक्स की वैल्यू फोर रूट टू आ गई, तो यहां से यहां तक का पोर्शन पी वाई कितना हो जाएगा, देन पी वाई इक्वल कितना हो जाएगा, देखो बच्चों पी वाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कैसे निकालोगे, पी क्यू प्लस क्यू वाई, पी क्यू प्लस क्यू वाई, पी क्यू प्लस क्यू वाई यही तो है, और पी क्यू, पी क्यू क्या है, साइड है स्क्वायर की, और स्क्वायर की साइड क्या है, फोर रूट टू, और क्यू वाई कितना है, एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर रूट टू, तो कितना हो गया, फोर रूट टू प्लस फोर रूट टू मीन्स कितना हो गया, एट रूट टू, तो पी वाई यहां से यहां तक हमें मिल गया कितना है, ये एट रूट टू। अब ये देखो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एस पी वाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल एस पी वाई, इन ट्रायंगल एस पी वाई, एस पी वाई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एस वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एस वाई का स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू रखो पी एस, पी एस यहां से यहां तक ये क्या है, वर्ग की भुजा है, और वर्ग की भुजा कितनी आ रही है बच्चों, फोर रूट टू, पी एस क्या है, स्क्वायर की साइड है कि नहीं, साइड ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड क्या है, फोर रूट टू, वो वैल्यू रख देंगे, और पी वाई हम लोग काउंट कर चुके हैं, पी वाई हमारा कितना आ रहा है, देखिए पी वाई कितना आ रहा है, एट रूट टू, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो पी एस कितना है, फोर रूट टू का स्क्वायर प्लस पी वाई कितना है, एट रूट टू का स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, एस वाई स्क्वायर हुआ। ये हो जाएगा आपका फोर फोर जा 16, टू जा 32, प्लस 8 जा 64, टू जा 128 इक्वल एस वाई स्क्वायर हो गया। तो 128 और 32 कितना हो गया,
ये हो जाएगा 160 इक्वल क्या हो गया एस वाई स्क्वायर हुआ, और 160 इक्वल एस वाई स्क्वायर, तो इससे एस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको लिख सकते हैं, देखिए 4 इसको लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 40 16, तो इसको लिख सकते हैं एस वाई स्क्वायर इक्वल 40 इंटू 4 लिख सकते हैं, है ना, और नहीं 16 इंटू 10 लिख लो, कितना लिख लो 16 इंटू 10, तो बच्चों एस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 10 का रूट 10, तो कितना आ गया 4 रूट 10, तो इस तरीके, और यही पूछा गया था एस वाई की वैल्यू क्या है, तो एस वाई की जो वैल्यू हमारी आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, एस वाई की वैल्यू क्या आ रही, देखिए 4 रूट 10, तो था ना बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, पहले ही हमने बता दिया था कि क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, उम्मीद करते हैं कि उतने ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, क्यों, क्योंकि हमने भी ज़बरदस्त तरीके से इसको डिक्टेट किया है, एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ आपके सामने है, इवन फिगर से लेकर कहाँ क्या लेट किया गया सब कुछ, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इस चीज़ को समझ भी पाए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो था ना रियली मज़ा आ गया भाई, जब ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं तो करके अंतरात्मा एकदम खुश हो जाती है, कि जब ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं तभी मज़ा आता है भाई, ठीक है, और आज का जो सिनेरियो चल रहा है एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम की बात करें तो ऐसे ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना प्रबल है, ठीक है, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि अब घिसे पिटे रूटीन क्वेश्चंस, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनमें आपको वास्तव में बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि हाँ दम दिखेगा क्वेश्चन में, और दम दिखे भी क्यों ना, क्योंकि आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल, वो भी मेंस, ठीक है ना, और मेंस का एग्जाम बहुत बेहतरीन होता है, डायरेक्ट आपको ऑफिसर बनाता है, तो बस ऑफिसर वाली क्वालिटी आपको दिखानी है तो वो कैसे दिखाएंगे, वो सब आप कर ही रहे हैं, तो देखिए कितना बढ़िया सा कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन आ रहा है, और आप इस समय जो देख रहे हैं कि पीछे 8-10 क्वेश्चन को अगर हम ले लें तो इतने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, आपके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता था कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर रफली कभी इस तरीके का क्वेश्चन 2 लाइन का क्वेश्चन है पढ़ लिया तो लगता है 2 लाइन का क्वेश्चन है, कितना कुछ होगा ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे किस चीज़ को हमें लिंक करना है, कैसे कहाँ पर हमें कौन सी चीज़ को सेट करना है, कहाँ पर किस पॉइंट का यूज करना है, तो ये सारी चीज़ें ये क्वेश्चन हमें सिखा रहे हैं, तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ओके स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एक सर्कल का डायमीटर है और इस सर्कल का सेंटर क्या है ओ, सी बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, सी बी इस पर एक स्पर्श रेखा है एट पॉइंट बी बी पर, ए सी इंटरसेक्ट और ए सी जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं द सर्कल एट जी, ए सी जो है वो सर्कल को पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट करती मतलब काटती है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर और ए जी इक्वल 8 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ बी सी, तो बी सी की लेंथ क्या होगी, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे किया था लगभग लगभग उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो चले सबसे पहले देखते हैं इसका जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा, देखते हैं एक सर्कल है बच्चों, एक ये सर्कल हो गया और इस सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर क्या है बच्चों ए बी, ए बी सर्कल का क्या है डायमीटर, ये इसका सेंटर हो गया, तो ए बी इसका क्या हो गया डायमीटर, क्लियर है, सेंटर क्या है ओ, सी बी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, बी पर एक स्पर्श रेखा है बी पर, ऐसे इस तरीके से ये स्पर्श रेखा है, इस तरीके से ये स्पर्श रेखा ऐसे स्पर्श करते हुए आगे जा रही होगी, तो हमें यहीं तक बनाना है, बी सी ये क्या हो गई स्पर्श रेखा हो गई, ए सी इंटरसेक्ट,
अब ये जो एसी है, एसी ए से सी को ऐसे मिला देंगे तो कह रहा है ये जो एसी है वो सर्कल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जी पर, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मींस ये जी पॉइंट हो गया। हो गया। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस क्या है, ये है बच्चों 6 सेंटीमीटर, एंड ए जी इक्वल 8 सेंटीमीटर, और ये जो चीज है ए जी ये कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर, ये क्या है 8 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ओ बी रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर और ए जी जो पार्ट है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। चले अब वर्किंग शुरू करते हैं। ये तो फिगर जो डेटा दिया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बना लिया है, एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब इस फिगर को हमें सॉल्व करना है, कैसे वो देखें। देखिए बच्चों, अगर कोई भी सर्कल है, सर्कल पर ऐसे कोई टेंजेंट जाती है, स्पर्श रेखा ऐसे जाती है, और वो कॉर्ड को आगे बढ़ने पर इस तरीके से आगे जाकर यहाँ पर ऐसे मिलती है जाकर, तो एक थ्योरम होती है। थ्योरम क्या होती है, जैसे ये टेंजेंट है, टेंजेंट का नाम क्या है BC, तो BC का स्क्वायर जो होता है, BC का स्क्वायर इक्वल होता है इस कॉर्ड के जो दो पार्ट हैं, एक पार्ट क्या है सी जी और दूसरा पार्ट क्या है AC, AC इंटू सी जी, AC इंटू सी जी, ये थ्योरम है, AC इंटू सी जी, ये क्या है बच्चों थ्योरम है ना, ये थ्योरम है। फिर से समझो, जैसे कोई सर्कल है, सर्कल में ऐसे कोई टेंजेंट जा रही है और ये टेंजेंट किसी कॉर्ड को आगे बढ़ाने पर इस पॉइंट पर ऐसे मिलती, तो ऐसे में इस टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है मीन्स BC स्क्वायर, ये इक्वल होता है CA ये इंटू सी जी, इस तरीके से जो एक ये पूरा पार्ट और दूसरा पार्ट ये, ठीक है ना, एक ये पूरा पार्ट मतलब AC इंटू सी जी ये होता है। तो यहां से बच्चों BC स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, AC इंटू सी जी है ना। अब AC इंटू सी जी आ गया, अब हमें AG तो पता है, ये पार्ट नहीं पता, अगर ये पार्ट पता होता तो हम AC की वैल्यू लिख पाते, तो लेट कर लिया, लेट CG इक्वल कितना है x, मीन्स यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो कितना लेट कर लिया, वो x है, ठीक है, ये लेट कर लिया। तो यहां से देखिए, देन BC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, AC यहां से यहां तक अब कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक है x इतना हो गया, तो ये AC पूरा क्या बन जाएगा 8 + x, क्या बन जाएगा 8 + x इंटू CG, CG हमारा कितना है x, तो ये चीज आ गई। BC स्क्वायर इक्वल क्या आ गया बच्चों 8 + x इंटू x, क्लियर है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसे ये टेंजेंट है, ये बच्चों टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर है इट मींस डायमीटर के भी परपेंडिकुलर होगी, मींस ये जो ट्रेंगल बनेगा ये कैसा ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज होगा, कैसा ट्रेंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्रेंगल होगा। तो इन ट्रेंगल ABC, इन राइट एंगल्ड ट्रेंगल, राइट एंगल्ड ट्रेंगल, राइट एंगल्ड ट्रेंगल ABC, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये हाइपोटेनस बनेगा, ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ना। चले AC हमारा क्या है, यहां से देखिए AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो यहां से BC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर है ना। तो BC स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, AC कितना है बच्चों, AC ये है 8 + x, 8 + x का होल स्क्वायर, 8 + x का होल स्क्वायर माइनस AB, AB कितना है बच्चों, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, मतलब AB जो पार्ट है सर्कल का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा 6 6 12, तो AB की वैल्यू क्या रखेंगे 12, 12 का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों देखो, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, यहां पर BC स्क्वायर है, ये इक्वेशन सेकंड है, यहां पर भी BC स्क्वायर है, ये भी BC स्क्वायर लिखा है देखो, और ये भी क्या लिखा है BC स्क्वायर लिखा है ना,
जब दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। भाई लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी बी सी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी बी सी स्क्वायर आ रहा है, तो दिस इक्वल दिस, तो दिस इक्वल दिस, इट मीन्स ये चीज इसके इक्वल होगी। देन या नाउ लिखते हैं, नाउ ये जो चीज है भाई ये भी बी सी स्क्वायर इक्वल है, ये भी बी सी स्क्वायर इक्वल है, तो ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी। देन नाउ 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया, सॉल्व करेंगे, 8x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स 64 प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 28 जा 16x माइनस 144। अब एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हो जाएगा। अब बच्चों एक काम करते हैं, ये 16x है, ये 8x है, इसको उधर कर देंगे तो कितना बचेगा, 8x, और ये इधर आ जाएगा तो 144 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 8x, ये आ गया। तो 4 में से 4 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 6 8, 80 इक्वल 8x। तो इससे बच्चों x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 8 10 जा 80, x की वैल्यू क्या आ गई 10। और अगर x की वैल्यू हमें पता चल गई तो हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ BC स्क्वायर इक्वल, ये पता है, यहां वैल्यू रख देंगे। नाउ BC स्क्वायर इक्वल कितना है बच्चों, BC स्क्वायर इक्वल है 8 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब x की वैल्यू हमें पता चल चुकी, ये वैल्यू यहां रखेंगे, देन BC स्क्वायर इक्वल 8 प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 10 18 इंटू 10 दैट इज 180। तो BC स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 180। इसको लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल 180 को लिख सकते हैं 36 इंटू 5। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 का स्क्वायर रूट 6 इंटू रूट 5। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 6 रूट 5, और यही पूछा गया था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, BC इक्वल 6 रूट 5। तो देखा आपने कितना बढ़िया सा ये भी क्वेश्चन था, और बहुत बढ़िया से आपको समझ में, एक एक चीज आपके सामने स्पष्ट तौर पर लिखी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए एक सर्कल था, इस सर्कल का सेंटर O था और इसका डायमीटर AB था। B पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, और ये जो टेंजेंट है CB यहां से AC इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि AC जो पार्ट है वो G पर इंटरसेक्ट करता है सर्किल को, तो G पर इंटरसेक्ट करके दिखा दिया। इस सर्किल की रेडियस क्या है, OB इक्वल 6 सेंटीमीटर और AG इक्वल क्या है, 8 सेंटीमीटर। हमने लेट कर लिया कि CG जो पार्ट है वो कितना है, X है। तो अब बच्चों जो मेन पार्ट था वो इस थ्योरम का था, वो क्या है, देखिए जब भी कोई सर्किल, सर्किल में ये टेंजेंट होती है और कोई कॉर्ड आगे बढ़ाने पर ऐसे जाकर ऐसे मिलती है, तो ऐसे में इस टेंजेंट का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर इक्वल होता है AC मतलब ये पार्ट इंटू ये पार्ट, AC इंटू CG। तो इससे BC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AC हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो 8 है, x इधर है, तो AC टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना बन जाएगा, 8 प्लस x, और CG तो हमने लेट किया है x, तो ये बन गया 8 प्लस x इंटू x। अब इसके बाद हमने ये वाला ट्रेंगल ले लिया, ट्रेंगल ये राइट एंगल होगा, क्यों क्यों राइट एंगल होगा, क्योंकि किसी भी सर्किल की कोई भी टेंजेंट, किसी भी सर्किल की कोई भी टेंजेंट उसकी रेडियस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, इट मींस वो डायमीटर के भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये ट्रेंगल कैसे बनेगा, राइट एंगल ट्रेंगल, तो राइट एंगल ट्रेंगल में इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या BC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और AC हमारा कितना है, 8 प्लस x, तो 8 प्लस x का स्क्वायर माइनस AB यहां से यहां तक, ये डायमीटर ही तो है सर्किल का, सर्किल की रेडियस 6 है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 12, तो 8 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए BC स्क्वायर आ रहा है, इक्वेशन सेकंड में भी BC स्क्वायर आ रहा है, मींस ये पोर्शन इसके जस्ट इक्वल हो जाएगा, तो ये इसके क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10। अब x की वैल्यू जब 10 आ गई तो हमें ये पता है कि BC स्क्वायर इक्वल क्या है,
बी सी स्क्वायर इक्वल क्या है, 8 प्लस एक्स इंटू एक्स है कि नहीं है। यहाँ पर बस हमें क्या रखना है, x की वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू जब रखेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स इंटू एक्स। तो 8 प्लस एक्स, एक्स मीन्स 10, तो 8 प्लस 10 18, और इंटू एक्स की वैल्यू 10, तो 18 इंटू 10 कितना हो गया, 180। अब बी सी स्क्वायर इक्वल 180 हो गया, तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 5, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, 36 का रूट 6 और 5 का रूट 5, तो BC इक्वल क्या हो जाएगा, 6 root 5। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, जरा सा भी कोई डाउट नहीं रहेगा रहा होगा, कोई संशय नहीं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।